फिश कीपर्स, चलिए आज डिकोड करते हैं एक ऐसे ब्रांडेड फिश टैंक को जो कि पिछले कितने सालों से यूके और यूरोप का मोस्ट फेवरेट ब्रांड है बिकॉज ऑफ इट्स अपीयरेंस, इट्स प्रेजेंस इन द मार्केट, इट्स क्वालिटी एंड इट्स रिलायबिलिटी एंड ट्रस्ट इन फिश कीपर्स। तो फिश कीपर्स, किसी भी स्पेशल ओकेजन के लिए जब हम घर में एक फिश टैंक लेकर आते हैं तो एक पॉजिटिविटी से लेकर आते हैं। तो आज कुछ ऐसे पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूंगी जो आपको ध्यान में रखने हैं जब आप एक फिश टैंक लेने की चाह रख रहे हो या आपके पास ऑलरेडी एक फिश टैंक हो लेकिन आप अपग्रेड का सोच रहे हो। सबसे पहले है डिज़ाइन। एक फिश टैंक का अच्छा डिज़ाइन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये ना ही सिर्फ एस्थेटिकली इम्पॉर्टेंट होता है, ये आपके पॉजिटिविटी बढ़ाने के लिए भी इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे कि ये जो फिश टैंक हम देख रहे हैं तो डिज़ाइन वाइज देखिए सिंपल है लेकिन उतना ही अट्रैक्टिव है। ये डिज़ाइन का जो सिंपलनेस है ये इसलिए है ताकि हमारा जो अंदर का सेटअप है वो अच्छी तरीके से हाईलाइट हो। जितना सेटअप हाईलाइट होना ज़रूरी है उतना ही डिज़ाइन भी ज़रूरी है। और ये पर्टिकुलर ब्रांड मुझे इसीलिए पसंद है क्योंकि वाइट इन कलर है। अब वाइट कलर के काफ़ी सारे ऑप्शंस, अच्छे ऑप्शंस हैं या बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पॉजिटिव एंड में, नोट में एंड करती है, तो वो मैं आपको इस वीडियो के एंड तक डिस्कस करूंगी। लेकिन पहले डिकोड कर रहे हैं तो ऑब्वियसली जानेंगे कुछ ऐसे पॉइंट्स, कुछ ऐसी चीज़ें जो इस पर्टिकुलर ब्रांड की स्पेशलिटी है। सेकेंड पॉइंट है ग्लास क्लैरिटी। काफ़ी सारे मॉडल्स ऐसे हैं जो कि कंपनीज, अच्छी खासी कंपनीज बनाती हैं जो कि मार्केट में अवेलेबल है, जिनका मेजर फॉल्ट आता है व्हेन इट कम्स टू ग्लास क्लैरिटी। अब ग्लास में अब जब लेने जाएंगे कोई फिश टैंक, अगर आप गौर से ऑब्जर्व करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे तो आपको दिखेगा कि हमेशा ग्लास के ऊपर एक हल्का सा हेजीनेस होता है, लाइंस, फाइन लाइंस होती है और एक ग्रीनिश टिंज होता है जो कि लेटर ऑन आपने जो सेटअप किया है या आपका जो फिश टैंक है उसके क्वालिटी के साथ डेफिनेटली कॉम्प्रोमाइज होता है। और ऐसे चीप क्वालिटी के जो फिश टैंक्स है उनकी शेल्फ लाइफ या उनकी लाइफ हमारे घरों में 6-8 महीने से ज़्यादा नहीं होती। अगर आपके पास भी ऐसा फिश टैंक है तो इस वक्त तक शायद आप भी ये प्रॉब्लम से डील कर रहे होंगे कि ग्लास के ऊपर वाइट स्पॉट्स आना या ग्लास क्लैरिटी ना होना, या आपको ऐसा लग रहा होगा धीरे धीरे कि अरे पहले जब हम फिश टैंक लाए थे तो बहुत अच्छा दिख रहा था लेकिन अब जब फिश टैंक है, अब धीरे धीरे यूज़ के बाद, 6 महीने के बाद, 8 महीने के बाद जो ग्लास की क्लैरिटी है वो थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ कहीं ना कहीं हो रही है, हेजीनेस सा हो रहा है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ग्लास क्लैरिटी। क्यों मैं इस ब्रांड पे ट्रस्ट करती हूँ, क्योंकि इस ब्रांड में सिर्फ दो ही टाइप के ग्लास क्वालिटीज़ अवेलेबल है, एक इज़ अल्ट्रा क्लियर एंड सेकेंड इज़ टाइवान ऑटोमोटिव ग्लास। और ये दोनों स्पेशलाइज ग्लासेस आपको और किसी ब्रांड में देखने के लिए नहीं मिलेंगे, चाहे आप पूरा इंडियन मार्केट छान मार लीजिए। थर्ड पॉइंट, फिल्ट्रेशन। मैंने हमारे जितने भी वीडियोस हमने बनाए हैं उसमें हर वीडियो में आपके साथ शेयर किया है कि फिल्ट्रेशन इज़ द बैकबोन ऑफ एन एक्वेरियम। अगर आप फिल्ट्रेशन के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो कहीं ना कहीं आप इकोसिस्टम के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे एंड दैट विल लीड टू क्रैश इन योर फिश टैंक। तो आपको क्या देखना है जब आप एक फ़िश टैंक लेते हैं, आपको ये देखना है कि उसका जो फिल्टर है क्या वो फिल्टर उस साइज़ के लिए, उस वॉल्यूम ऑफ लीटर्स के लिए कैपेबल इनफ है टू क्लीन। तो ये पर्टिकुलर जो फिश टैंक है इसका जो पावर हेड है दैट इज़ 1100 लीटर्स पर आवर कैपेसिटी, यानी 1100 लीटर पानी ये क्लीन कर लेगा हर एक घंटे में, जो इनफ है, मोर देन इनफ है इस फिश टैंक को क्लीन रखने के लिए। एंड दैट इज़ वाई इस फिश टैंक्स में एक बहुत ही मेजर एडवांटेज हमें मिलता है दैट वी डू अ 20% or 30% वाटर चेंज ओनली एंड ओनली वंस अ मंथ। दोस्तों नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विच इज लाइट। अब लाइट क्यों क्रुशियल है, क्योंकि लाइट की मदद से ही आप अपने फिश टैंक के इकोसिस्टम को डे एंड नाइट के हिसाब से मिमिक करते हैं। अब लाइट ये एक प्लस पॉइंट भी है और एक ये माइनस पॉइंट भी है। प्लस पॉइंट कैसे, कि जैसे मैंने आपके साथ शेयर किया कि फिश और प्लांट्स को डे एंड नाइट मिमिक करने के हिसाब से लाइट ऑन और ऑफ रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एस्थेटिकली भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए आपके पास एक बहुत ब्यूटीफुल सा फिश टैंक है और उसके लाइट्स अगर आपने ऑफ करके रखे हैं तो क्या मतलब है। एंड ये माइनस पॉइंट कैसे है, अब काफ़ी सारे लोग लाइट को या तो 24 घंटा ऑन रखते हैं या 24 घंटा ऑफ रखते हैं, वो भी फिश टैंक के इकोसिस्टम के हिसाब से बहुत ज़्यादा गलत होता है। तो आपको फिश टैंक खरीदते वक्त लाइट बहुत ज़रूरी तरीके से इंस्पेक्ट करना चाहिए।
तो लाइट में क्या चीज़ें हैं, जैसे हमारा जो ये ब्रांड है इसमें स्पेशलिटी ये है कि इसमें ब्राइट लाइटिंग के लिए ब्लू, रेड एंड वाइट ऐसे तीन लाइट्स का कॉम्बिनेशन है, दिस इज अ स्पेक्ट्रम एलईडी लाइट, एंड डिम लाइट के लिए ब्लू एंड वाइट ऐसे दो कॉम्बिनेशन है। सो आप इसके मदद से, एलईडी स्पेक्ट्रम लाइट के मदद से एक फिश टैंक का इकोसिस्टम बहुत अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। अब इकोसिस्टम क्यों मेंटेन करना है, अगर इकोसिस्टम आप मेंटेन नहीं करेंगे दोस्तों तो आपके फिश और प्लांट्स दोनों ही स्ट्रेस में आएंगे और मोर्टेलिटी रेट और स्ट्रेस रेट हमेशा आपके फिश टैंक में ज़्यादा रहेगा। तो इसीलिए एलईडी स्पेक्ट्रम लाइट आपके फिश टैंक में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दोस्तों हमारा फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, दैट इज इस ब्रांड का बेस। तो ये जो बेस है ये स्टर्डी इनफ है टू टेक द वेट ऑफ दिस एंटायर फिश टैंक, एंड नॉट ओनली दैट इट इज एस्थेटिकली ब्यूटिफुल। जब भी आप एक एक्वेरियम एक बेस के साथ, स्टैंड के साथ, स्टर्डी बेस आपके एक्वेरियम का होना चाहिए, आपके घर के लिए सिलेक्ट करते हैं, आपके लिविंग रूम के लिए सिलेक्ट करते हैं, तो मेक श्योर इट कॉम्प्लीमेंट्स ईच अदर। इस ब्रांड में मुझे सबसे ज़्यादा यही अच्छा लगता है कि फिश टैंक एंड इसका जो बेस है ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट तो करते ही हैं, स्टर्डी भी है, और साथ ही आई रियली लव द फैक्ट दैट दीज आर वाइट इन कलर। मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि यूरोपियन डिज़ाइन से इंस्पायर्ड है, प्रभावित है, और वहाँ पर ज़्यादातर वाइट ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अब हमारे लिए ये क्यों बेनिफिशियल है, क्योंकि जब भी आप इस तरीके का ब्राइट एक्वेरियम आपके घर में, आपके लिविंग रूम में रखते हैं तो इंस्टेंटली आपका लिविंग रूम बिकम्स मच मोर ब्राइटर एंड ब्यूटिफुल। And दोस्तों that is why this brand which is Atman is one of my favorite brands when it comes to fish tanks। साथ ही और एक important चीज़ जो है Atman brand की वो ये है कि इसमें आपको कम से कम 4 से 5 different shapes and sizes of aquariums मिल जाएंगे, and हर एक shape and size में आपको कम से कम 4 से 5 different varieties, different sizes मिल जाएंगे। तो patterns तो है ही, sizes भी है, तो इस तरीके से ये एक ब्यूटीफुल ब्रांड है विच इज़ वेरी 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 लग्जरी ब्रांड। और आपको अगर ये सारा रेंज, ये सारे प्रोडक्ट फिश टैंक्स आप देखने हैं तो आपको विजिट करना पड़ेगा हमारे विमान नगर के गैलरी में। सो वी आर लोकेटेड इन पुणे इन विमान नगर, तो आप ज़रूर हमारे यहाँ विजिट कीजिए। ये जो लग्जरी ब्रांड है इसकी जो सारी वराइटीज़ हैं इसको आप देखिए, एंड आई एम श्योर एक ना एक मास्टरपीस आपको आपके घर के लिए ज़रूर मिल जाएगा। तो दोस्तों दिस वॉज आर एंटायर वीडियो बेस्ड ऑन हाउ टू डिकोड अ फिश टैंक। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए सारे फिश कीपर्स के साथ, एंड स्टे ट्यून्ड, हैप्पी फिश कीपिंग।